हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल नहाटा वैसे तो हर फिल्म का फर्स्ट वीकेंड और फर्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही सिग्निफिकेंट है और फर्स्ट वीकेंड या फिर फर्स्ट वीक के अंत में पता ही चल जाता है कि किस दिशा में फिल्म जा रही है प्लस है माइनस है एवरेज है बड़ी हिट है ब्लॉकबस्टर है फर्स्ट वीक के एंड में लगभग तय हो जाता है लेकिन फिर भी बिजनेस तो कई हफ्तों तक होता है एंड ऑफन टाइम्स वी टेन टू फोगेट के इस फिल्म ने या कोई भी फिल्म ने कितना प्रॉफिट किया है तो आइए कुछ रिसेंट रिलीजेज के बारे में बात करते हैं वे दे आर हेडेड एंड वॉट काइंड ऑफ मनी दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक और वॉट काइंड ऑफ मनी दे आर एक्सपेक्टेड टू लूज इस साल के अब तक की सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर की बात करते हैं यह जवानी है दिवानी दिस कॉस्ट द प्रोड्यूसर्स अप्रॉक्सिमेटली सिक्सटी फाइव करोर टू मेक प्रमोट एंड रिलीज तो उनका पूरा इन्वेस्टमेंट था करीब पैंसठ करोड़ रुपए और जिस हिसाब से इंडिया में ये बिजनेस कर रही है और ना सिर्फ इंडिया में ओवरसीज में भी बिजनेस कर रही है

टीन करोड़ फ्रॉम थिएट्रिकल रेवेन्यू ओनली ये हम शेयर की बात कर रहे हैं प्लस सेटेलाइट राइट्स वुड एव फेस्ट अप्रोक्सिमेटली एटीन टू फिल्म को मिला होगा करीब 7 से 10 करोड़ रुपए मोटे राइट है चार करोड़ तो और आएंगे ही एंड दे वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ रिकवरी ऑफ मोर देन 150 एंड अब एक तरफ है लागत 65 करोड़ की और दूसरी तरफ रेवेन्यूज टोटल नेट रेवेन्यूज ऑफ अबाउट 150 करोड़ मे बी हंड्रेड सिक्सटी करोड़ ऑल्सो मीन्स करण जौहर की कंपनी को कम से कम अस्सी नब्बे करोड़ का फायदा होगा इस फिल्म में दैट इज वाई वी टर्म एट अ ब्लॉक बॉस्टर इस साल की एक और सक्सेसफुल फिल्म एंड रियली गुड सक्सेसफुल फिल्म इज राझना राझना के बनने में प्रमोट होने में रिलीज होने में करीब 28 से 30 करोड़ रुपए लगे हैं इस फिल्म के फर्स्ट वीक के ऑल इंडिया कलेक्शन थे करीब 35 करोड़ रुपए एंड सेकेंड वीकेंड भी अच्छा गया सेकेंड वीकेंड के नेट ऑल इंडिया कलेक्शन थे करीब दस करोड़ सत्तर लाख ऑलमोस्ट इलेवन करोड़ यानी दस दिन के कलेक्शन आर टू द ट्यून ऑफ 46 करोड़ ऑफ रुपीज एंड अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं तो भी हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि लाइफ टाइम में ये ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएंगे इस फिल्म के करीब पैंसठ सत्तर करोड़ रुपए दैट मींस दिस फिल्म वुड हैव हैवील्डेड अ शेयर ऑफ एटलीस्ट थर्टी करोड़ फ्रॉम इंडिया अब अट्ठाईस से तीस करोड़ की लागत और सिर्फ इंडिया का शेयर अगर तीस बत्तीस करोड़ हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ इंडिया से ही इसका टोटल कॉस्ट तो रिकवर हो चुका है ए आर रहेमान का संगीत है तो ऑब्वियसली दिस फिल्म वुड नॉट हैव गॉट लेस देन टू करोड़ फ्रॉम म्यूजिक अब सैटेलाइट राइट्स के भी करीब ग्यारह बारह तेरह करोड़ रुपए आए होंगे ओवरसीज में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है एंड फॉर एरोस इंटरनेशनल को इस फिल्म में कम से कम पंद्रह करोड़ का प्रॉफिट होगा हो सकता है यह पंद्रह करोड़ जाके बीस बाईस पच्चीस करोड़ भी हो सकते हैं और इसलिए इस छोटी फिल्म को हम एक बड़ी सक्सेस स्टोरी मानते हैं यहां पर यह कहना भी जरूरी है कि प्रोड्यूसर्स ने रांझणा को तमिल में भी डब किया है एंड अंबिका पथी ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है इसका फर्स्ट वीकेंड का नेट था करीब तीन करोड़ रुपए खर्चा तो बहुत कम आया होगा इज जस्ट डबिंग ऑफ द डायलॉग्स इन तमिल एंड प्रॉबेबली रिकॉर्डिंग द सॉन्ग्स इन तमिल बट जो बिजनेस करेगी दैट वुड ऑब्वियसली ऑगमेंट और इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ एयरॉस इंटरनेशनल तीन हफ्ते पहले फुकरे रिलीज हुई थी एंड फुकरे में लागत थी प्रोड्यूसर्स की इन द मेकिंग प्रमोशन एंड रिलीज ऑफ द फिल्म दे हैड स्पेंट अप्रॉक्सिमेटली 25 टू 28 करोड़ ऑफ रुपीस अब उसकी शुरुआत ठीक ठाक थी बट आगे चल के क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छी थी कलेक्शंस बहुत ही अच्छे सेटल हो गए एंड सेकेंड वीक भी अच्छा था थर्ड वीकेंड एज ऑल्सो बीन गुड इनफैक्ट फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने कलेक्ट किए थे करीब अठारह करोड़ रुपए सेकेंड वीक था करीब ग्यारह करोड़ रुपए का एंड दे फॉर द टोटल फॉर फोर्टीन डेज वॉट 29 करोड़ थर्ड वीकेंड में नेट ऑल इंडिया कलेक्शन 3 करोड़ के थे और इसलिए 17 दिन में इस फिल्म का टोटल हो गया करीब 32 करोड़ रुपए. अगर हम ये भी कंसीडर करते हैं कि अब इतनी सारी फिल्में रिलीज हो चुकी है और हर हफ्ते बहुत बड़ी-बड़ी फिल्में आ रही है तो इसलिए 5 या 6 करोड़ और करेगी तो भी यू गेट अ टोटल ऑफ एप्रोक्सीमेटली 37 38 करोड़ नेट ऑल इंडिया कहने का मतलब है कि इस फिल्म का ऑल इंडिया शेयर ही करीब 15 करोड़ रुपए का होगा एंड दिस फिल्म हैज आल्सो डन रीजनेबली वेल इन द ओवरसीज सर्किट कोई बहुत बड़ी हिट नहीं है आफ्टर ऑल इट्स अ नॉन स्टार कास्ट फिल्म न्यू स्टार कास्ट फिल्म बट फिर भी एक डेढ़ करोड़ रुपया ओवरसीज से भी आएगा इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के लिए दस बारह करोड़ शायद थोड़े ज्यादा भी मिल सकते हैं स्पेशली बिकॉज इस फिल्म का अप्रिसिएशन बहुत है एंड इट वुड फेच गुड टी आर पीज वेन इट इज एड ऑन टेलीविजन तो इसलिए सैटेलाइट राइट से अच्छी खासी कमाई होगी प्लस होम वीडियो राइट्स एंड अदर स्मॉल राइट्स तो टोटल रिकवरी जो प्रोड्यूसर्स की है इट विल बी अप्रोक्सिमेटली टू द ट्यून ऑफ 30 30-32 करोड़ और इसलिए 25 या 28 करोड़ में बनी फिल्म अगर 30 बत्तीस करोड़ का बिजनेस कर लेती है स्पेशली विदाउट एनी फेस वैल्यू विदाउट एनी नेम्स तो डेफिनेटली इट इज अ सक्सेस स्टोरी क्योंकि आने वाले समय के लिए एक नेगेटिव भी प्रोड्यूसर का खड़ा हो गया है विच विल कीप ऑन गेटिंग रेवेन्यूज जब सेटेलाइट राइट्स री इशू में बिकेंगे तब भी पैसे आएंगे एंड ऑब्वियसली अगर इतने पैसे खर्च करके एक नॉन स्टार कास्ट न्यू स्टार कास्ट फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद वो भी पैसे कमा कर देती है तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन बॉलीवुड